नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जानते हैं, इस समय मैं अपने गांव आई हुई हूं और ये वही मेरे प्यारे प्यारे खेत दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा, जो शहरों में हम लोग जो है इसको बहुत मिस करते हैं। इतनी ताज़ी हवा, बहुत ही वाकई में अच्छा लग रहा है। और जब गाँव आई थी तो मेरे नाना ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, जो छोटे नाना है मेरे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मैंने फिर उसका बहुत सोच सोच के आंसर भी दिया। अब मैंने सोचा क्यों ना वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं, और वही गांव की स्टाइल में। तो वो प्रश्न कुछ इस तरह से है, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे गांव की बोली को। यज्ञदाई के बात है, तीन दोस्त रहे, तीन जने के नाव रहा समरूप, नक्षेद और रामखेलावन। वो तीनों जने जो उन्हें जात रहे बहुत दूर मेला घूमे। तो जब तीनों जने मेला घूमे जात रहे, तो जैसे पहले का हुआ रहा, बहुत दूर दूर जो मनाई जाए तो अपने साथ है पिसान विसान लेके जात रहा। और रास्ता में जहाँ कहाँ रुके तो अपन रोटी पोए लेत रहा। तो वही चीज भा, तीनों जने जो नहाए एक जगह ही भैया रुके, चला चला जो थक गए तो कहीं ना आप यहीं रात बिताई जाए, और चलो जो उन्हें सब ही रोटी वोटी खा लीन जाए, कहीं ठीक है। अब जो उन्हें सेमरू रहे, वे गए सब अपन लकड़ी वकड़ी के इंतजाम कहीं ईटा के चूल्हा उल्हा बनाइन। और जो उन नक्षेद रहे, वह जो उन्हें सब आटा वाटा जो उन्हें उमाड़िन बैठ के। अब राम खिलावन के नंबर आवा कि राम खिलावन भाए तू रोटी पो बैठ के। अब राम खिलावन रोटी बनावे लागे। मुला इतने में काभा सिमरू और नक्षेद दोनों जने सोए गए, भाई थके रहे। अब जब राम खिलावन रोटी बनाइन तो राम खिलावन कहीं अब दोनों जने सोवत आए तो सोवे दी। तो वह रोटी का तीन हिस्सा में बांट लीन, बराबर बराबर तीन ढेर लगाइन। मुला एक रोटी ज़्यादा नहीं कर गए, तो पासे में एक ठू कुकुर रहा, तो वह एक ठू रोटी कुकुरे खवाए दहीन। अब जो रोटी कुकुरे खवाए दहीन और जौन तीन ढेर रोटी के रहे, तो एक ढेर अपन खा लेन भैया नोन तेल जौन रहा उसे, ओ अपन नहू सोए गए चुप्पे। अब रात के भैया सेमरू उठे, तो जो सेमरू उठे वह कहीं भूख तो बहुत लागी है जवान, का करी। तो दुई ढेर रोटी जौन रहा वह सोचिन इतने कुल रोटी बनी है, तो वह उका जौन है तीन हिस्सा मनहू बाटिन, तीन ढेर बनाइन। और फिर एक ठू रोटी ज़्यादा हो गए, तो वही कुकुरुआ फिर खड़ा रहा, तो रोटी वही कुकुर एक दे दिन। और भैया अपन एक ढेर खाइन दुई ढेर ढर के सोए गए उन्हों। अब रात में उठे नक्षेद, अब नक्षेदो भुखान रहे भाई, तो नक्षेद सोचिन अच्छा इतने रोटियां बनी है तो उन्हों का करें, वही रोटी के तीन ढेर बनाइन। और फिर एक ठू ज़्यादा, कुकुरुआ किस्मत बहुत तेज रही असल में, तो वो रोटी फिर दे दिन कुकुरे का एक ठू, और एक ढेर अपन खाइन और दुई ढेर भैया उन्हों दे दिन। अब सोए गए, अब भैया भा भिनसार। तो जब भिनसार भा तो तीनों जने उठे, तो सोचिन जितनी रोटी बची है, अब सबके मन में तो यही है भाई हम सब भैया अपन खा लिए ना अपन अपन हिस्सा रात के, तो अब जितनी बची है चलो यहू बाँट लीन जाए। तो वह सब ही उका बराबर बराबर तीन ढेर बाटिन। और फिर का भा सब ही समझे गए हो, एक ठी रोटी हो गए ज़्यादा। और वो कुकुरवा सोचे ये सब बड़े भलमनई हैं, हमका बहुत रोटी दिया था, वो कुकुरवा हुआ ही रहा, तो एक ठू रोटी फिर कुकुर एक दे दिन। और जौन रहा वो बराबर बराबर फिर खा लीन तीनों जने, और रोटियाँ समुल्ली गए चुक, खत्म हो गई रोटी। और तीनों जने आपन जौन है आपन जौन झोरा झंडा रहा उठाइन, आगे फिर आपन यात्रा पे निकल पड़े मेला देखे एक ताई। तो अब भैया तू का सबका ई बतावे है कि कुल कितनी रोटी बनी रही, अभी थोड़ा दिमाग लगावे परे, बहुत नीक प्रश्न है। तो अब ये सोच के हमका बताओ कि कुल कितनी रोटी बनी रही, और फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के दियो। और हम तो सॉल्व कर ले रहने का, जो नाना पूछे हम तो भैया बहुत बुद्धि लगाएं, एकदम में नहीं बताए पाई रहें, झूठ कहे कही
मुला जौन है हम बता लेंगे। तो अब तुहु सब ही दिमाग पे जोर डालो, अब वीडियो धरो नीचे और फिर सोचो कि कितनी रोटी बनी रही। ठीक है, तो तोरे सबके हम उत्तर के इंतजार करी दिया है। तब तक की ताई जय राम जी की।